हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मुंबई के मरीन ड्राइव पर मैं आपको लेके आया हुआ हूं। दोस्तों, मैं यहां पर आज करीब 45 साल बाद एक फिल्म की शूटिंग लोकेशन आपको यहां पर दिखाने आया हुआ हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परवरिश फिल्म की। परवरिश फिल्म जो 1977 की फिल्म है, जिसको बन के करीब 45 साल हो चुके हैं। दोस्तों, वो 45 साल पहले उस फिल्म के कुछ सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर इसी रोड पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो 45 साल बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और कितना डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये ओबराय का होटल देख रहे हैं, ऊपर ट्राइडेंट लिखा है उसके। ये होटल जो है मरीन ड्राइव पर है और फिल्म के अंदर इस होटल को दिखाया गया है। लेकिन उसी होटल के पीछे अगर आप और देखेंगे तो बीच में एक वाइट कलर की बिल्डिंग और आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन तभी वो बिल्डिंग नहीं थी, मतलब तभी ये सिंगल बिल्डिंग थी। और उसके बाजू में एक भी बिल्डिंग और भी है अभी, वो बिल्डिंग जब नहीं थी, सिर्फ सिंगल बिल्डिंग यहाँ पर ये ओबराय की बिल्डिंग खड़ी हुई थी। दोस्तों, 45 साल में यहाँ पर काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी पेड़ आप खड़े हुए देख रहे हो, और ये समंदर का किनारा जो आप देख रहे हो, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। समंदर तो होना ही था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पेड़ खड़े हैं, ऐसा पेड़ नहीं थे, पूरा खाली खाली पड़ा हुआ ये शहर था, मुंबई शहर। बट अब से 45 साल पहले भी ये जो आप मेरे पीछे एयर इंडिया का ऑफिस देख रहे हो, ये बड़ी सी बिल्डिंग जो देख रहे हो जिस पर मार्बल लगा हुआ है, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है सब जनता का है। एक सॉन्ग है जिसके अंदर शबाना आजमी और नीतू सिंह डांस कर रही हैं, तो वो इसी सिग्नल पर यहीं पर डांस कर रही हैं। और आप देखते हो तो पीछे उनके वो ओबराय होटल दिखता है, जो ओबराय होटल आप देख रहे हो, ये बैकग्राउंड है उनका। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर ये लोकेशन आपको दिखाने पहुँचे हैं 45 साल के बाद। आप देखेंगे कि ये जो आपको कंच वाली बिल्डिंग दिख रही है, आप एक स्क्रीनशॉट से इसको मैच करेंगे तो आपको ये लोकेशन दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। वो लोग इस पर यहाँ पर, आप थोड़ा सा बाहर आ जाएं, यहाँ पर ये इनोवा कार खड़ी है। अगर हम थोड़ा सा इसको ये साइड से दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर वहाँ पे लिखा रहता था ओबेरॉय शेरेटन लिखा था, तो वो वहाँ पर अभी भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डिज़ाइन जो था आज भी वही है, बिल्डिंग भी आज भी वही है, डिज़ाइन भी वही है। लेकिन मुझे दोस्तों कलर चेंज दिख रहा है। अगर हम ओबेरॉय बिल्डिंग का कलर देखेंगे तो कलर थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। और वो लोग इस सिग्नल पर यहाँ पर डांस करते हैं, और यू नो यहाँ पर उन लोग का डांस होता है, और बैकग्राउंड में ये वाली बिल्डिंगें हमको देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, जिस वक्त यहाँ पर वो सॉन्ग शूट हो रहा था, यहाँ पर पुराने टाइप की कार खड़ी थी जिनका बोनट बहुत बड़ा होता था, जिनके ऊपर तुम बैठ के आराम से खाना खा सकते थे, ऐसे बोनट वाली गाड़ी थी। और दोस्तों, मुंबई जैसे शहर में, इस क्राउडेड सिटी में, वो टाइम पर बहुत सुकून था, बहुत ही यू नो खुला खुला जगह था, जो आज देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों, इस वक्त हम मुंबई के चर्च गेट एरिया में हैं, मैं बोल सकता हूँ, और मुंबई की फेमस प्लेस मरीन ड्राइव पर पहुँचे हुए हैं। पीछे जो आप मेरे ये होटल देख रहे हो, जो फिल्म के अंदर दिखाया गया था, दोस्तों ये वही होटल है जो स्क्रीनशॉट में आपने देखा है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जगह, ये लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जहाँ पर नीतू सिंह जी और यू नो शबाना आजमी जी डांस कर रही हैं। आइए मैं थोड़ा सा ये साइड का व्यू दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखेंगे इधर से करीब चरनी रोड से ये राउंड सर्कल स्टार्ट होता है और यहाँ तक ही आता है। काफी खूबसूरत जगह है दोस्तों ये। क्या देख रहे हो? आदिल भाई, जगह मैच है ना पूरी? शबाना आजमी इधर डांस कर रही थी ये सिग्नल पे, ये सिग्नल पे डांस कर रही। हाँ, और वो पीछे, हाँ इधर लिखा हुआ ही जगह थी, लेकिन अभी लिखी हुई नहीं दिख रही है। आदिल भाई, आपको पुरानी कार पसंद थी कि ये सब कार पसंद है? वो टाइम के लिए पुरानी कार, वो टाइम के लिए बहुत, यार वो बहुत बड़ी बड़ी दिखती थी, उनका बोनट बहुत पसंद था मुझे। और ये वो सिग्नल था, देखिए दोस्तों अभी ये बराबर दिख गया है। यहाँ पर ना ये वाली जगह दिखती थी,
ये जो पिलर दिख रहे हैं ना बिल्डिंग के, ये यहाँ पर इन्होंने डांस किया था, यहाँ पर वो लोग डांस कर रहे हैं देखो। और ये दोनों बिल्डिंग पीछे आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ये वाली बिल्डिंग भी है और ये बिल्डिंग भी है। तो ये है वो सिग्नल, और इसके बाजू में जब हम लोग इधर देख रहे हैं ना, तो दोस्तों ये है अपना ओबेरॉय होटल, और ओबेरॉय होटल के सामने जितने भी पेड़ खड़े हुए हमको दिख रहे हैं ये वो टाइम पर नहीं थे। ओपन रूफ बस जो मुंबई दर्शन के लिए है, आप इसमें बैठ के मुंबई को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों, और खूबसूरत मुंबई का व्यू ले सकते हो। यहाँ पर इस सिग्नल पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। अभी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए हैं दोस्तों, और ये अभी भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन पहले के मुकाबले में बस ये भरा भरा लगता है आज के टाइम पर। और ये है समंदर का खूबसूरत व्यू दोस्तों, अभी यहाँ पर ये बैठने के लिए जगह बना दी गई। अगर हम पहले की बात करेंगे दोस्तों, मैं इसके ऊपर चढ़ के ही बताता हूँ। यहाँ पर इस जगह से नीतू सिंह और सबाना आजमी डांस करते हुए आती हैं। अभी देख लिए, पहले एक छोटी सी बाउंड्री थी और अभी एक अच्छा खासा बैठने की जगह बना दिया गया है मरीन ड्राइव पर। तो यहाँ पर दोस्तों 45 साल बाद बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे टावर बन चुके हैं, बहुत सारी सारी नई बिल्डिंग बन चुकी हैं, लेकिन हाँ आज भी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग भी अवेलेबल हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत हमारे ये बाजू में जो बिल्डिंग आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये बिल्डिंग 45 साल पहले भी ऐसे ही खड़ी थी और आज 45 साल बाद भी ऐसे ही है। ना जाने इन 45 साल में कितने लोग इधर से उधर हो गए हैं, लेकिन आज भी ये जगह उसी टाइम की याद दिला रही है दोस्तों। इस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है मुंबई की जान मरीन ड्राइव। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सपना होता है इस शहर को घूमना, इस सपनों के शहर में आना, इसको विज़िट करना, यहाँ पर बैठना। ना जाने कितने सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं और इस जगह पर बैठ के अपने सपनों को देखते हैं और अपनी यादों में खो जाते हैं, क्योंकि सामने इस समंदर का जो किनारा है यहाँ से बहुत ही खूबसूरत हवाएं आती हैं और तुमको एक ठंडक फील कराती हैं। ये मुंबई ऐसे बिजी शहर में से लोग यहाँ पर टाइम निकाल के आते हैं, और ये पूरा यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर का एरिया ऐसे ही बैठने के लिए है, और लोग यहाँ पर आके बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। दोस्तों अब से 45 साल पहले भी यहाँ पर इसी जगह पर इसी रैक पर कुछ ऐसा ही था, लेकिन जैसे अभी आप पत्थर पड़े हुए देख रहे हो और अभी मस्त बैठने की जगह देख रहे हो, पहले ऐसे नहीं था। दोस्तों अब से 45 साल पहले नीतू सिंह जी और सबाना आजमी जी ने भी यहाँ पर परवरिश फिल्म के सॉन्ग के अंदर डांस किया था, जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो दोस्तों। तो आज हम ये लोकेशन आपको 45 साल बाद दिखाने आए थे, ये जगह आपको दिखाने आए थे। दोस्तों अगर आप इस जगह के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, अगर आप मुंबई से बाहर के हो, मुंबई कभी भी आना चाहते हो, तो दोस्तों आप मरीन ड्राइव आके स्टेशन पर उतर सकते हो। जैसे ही आप मरीन ड्राइव से बाहर आओगे आप इधर पहुंच जाओगे। वैसे करीबी स्टेशन इसके चर्च गेट भी है, मरीन ड्राइव भी है, चरनी रोड भी है, पास पास में स्टेशन है, आप किसी भी स्टेशन पर आ सकते हो और यहां पर उतर सकते हो और इस खूबसूरत व्यू को दोस्तों एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है, नए नए लोग सारे भाई कमेंट करते हैं और मैं सबको रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ पूछना हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ इस खूबसूरत शहर, सपनों के शहर मुंबई में, सिटी ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। लव यू गाइज, all the best for everything, whatever you want to achieve in life. Love you guys.